नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोविड-19 के कारण गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और सरकार इनसे बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्ध है। महामारी को सामाजिक आपातकाल बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कड़े फैसले लेने को विवश है। संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान स्थिति मानवता के इतिहास में युगांतरकारी घटना है और देश को इसके दुष्प्रभाव से निपटना होगा। प्रधानमंत्री ने बैठक में भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सामाजिक दूरी बनाए रखने, जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन का पालन करने जैसे प्रयासों में हर नागरिक के योगदान के साथ अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता की भावना की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में लॉकडाउन को लेकर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। प्रधानमंत्री पहले भी दो बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं। लॉकडाउन के दौरान राशन के सामानों की कोई कमी नहीं होगी। केंद्रीय उपभोक्ता और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 3 महीने तक सभी पीडीएस लाभार्थियों को मुफ्त 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज हर महीने वितरित हो। वहीं देश में आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति को बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिए हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हॉटस्पॉट वाले इलाकों को सील कर दिया है। दिल्ली में 20 इलाकों को सील किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 15 जिलों के हॉटस्पॉट इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सभी जरूरी सामानों की होम डिलीवरी इन इलाकों में की जाएगी। साथ ही सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी प्रयोगशालाओं में कोरोना मरीजों के नमूनों की जांच मुफ्त होनी चाहिए। प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए 4500 रुपए लेने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इसकी जांच मुफ्त में कराने का सुझाव दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने डॉक्टरों को योद्धा बताते हुए उनकी सुरक्षा के इंतजाम करने को भी कहा है। देश में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा 5000 से ज्यादा हो गया है। इस बीच संक्रमण की चपेट में आए 411 लोग कोरोना वायरस को मात देकर अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार ने एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। सरकार ने 5 लाख रुपए तक की राशि के लंबित आयकर रिटर्न तत्काल जारी करने का फैसला किया है। इससे लगभग 14 लाख करदाताओं को लाभ होगा। सरकार ने सभी लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क रिफंड की राशि भी तत्काल जारी करने का निर्णय किया है। इसमें सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्यम सहित लगभग 1 लाख व्यवसायों को लाभ होगा और रिफंड की ये कुल राशि 18,000 करोड़ रुपए के लगभग होगी। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए सरकार ने करदाताओं और व्यापारियों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए ये निर्णय लिया है। वहीं दुनिया भर के हालात पर अगर नजर डालें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 83,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि संक्रमितों की संख्या 14 लाख को पार कर गई है। ब्रिटेन में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 10,300 हो गई है। वहीं स्पेन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,000 के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा अमेरिका में भी कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 13,000 के करीब पहुंच गई है। इसी के साथ फिलहाल सुर्खियों में इतना ही। नमस्कार।